मुझे कुछ शिकायतें हैं गाइस, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा एक चीज़ का। बहुत सारे लोग ने देखे कि मैं नौशीन की हकीकी में नहीं जा पाया, तो गाइस क्यों नहीं जा पाया मैं आप लोग को बताऊंगा अभी, वो चीज़ जब मम्मी डैडी आ जाएंगे। मेरी जो सगी बहन है उसने तक अपने भाई और भाभी को दावत नहीं दी गाइस अपने बेबी के हकीकी के लिए। तो डाल दो मम्मी कभी, मम्मी चमची, मम्मी जल्दी है, मम्मी दूध का, चुप रहो। हम लोगों का जो अभी तक का स्टॉक था उसका पूरा शूट हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और निदा यहाँ पे नाश्ता कर रही है। गाइस अभी हम लोगों को जाना है डॉक्टर के पास जुहान को लेके, क्योंकि गाइस डॉक्टर ने बोला है कि जुहान को अभी वीकली चेकअप करवाया करो आप लोग, क्योंकि उसका ट्रैक रखना है हम लोगों को कि उसका वेट कैसा चल। अरे कितनी आवाज आ रही है बाहर से, कौन है? यामा वगैरह है, पागल आदमी यामा है। हाँ यामा की आवाज़ उसके बाद ऐसी रहती है। तो निधा डॉक्टर ने क्या बोले, हर हफ्ते वीकली चेकअप क्यों कराना चाहिए हम लोगों को? क्योंकि बेबी का वेट ट्रैक करना पड़ेगा। यस, और डॉक्टर के हिसाब से जो हमारी डिलीवरी डेट है 22 फरवरी, तो वहाँ से बेबी को, मतलब ऐसा समझना कि वहाँ से बेबी का बर्थ हुआ है, तो जो एक महीना हुआ है वो अभी भी ऐसा समझना कि बेबी पेट के अंदर है। सो गाइस हम लोगों ने सोचे है कि बिजनेस के सक्सेस के लिए और हमारे जुहान का जो ट्रैक है उसका अगर आज अच्छा रिपोर्ट आता है तो हम लोग गाइस फिर से हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को खाना बांटे जाके। हम लोगों की नीयत ये कि बिज़नेस के चलने के बाद भी हम लोग एक अच्छी सी छोटी सी नियाज करेंगे, मतलब लोगों को खाना बांटेंगे गाइस। दुआ मिलती है लोगों की, क्योंकि गाइस हम लोग जो कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा गरीबों का हिस्सा होता है गाइस, क्योंकि अल्लाह ने भी हमें कहा है कि आप लोग कमाते हो तो आप किसी का जरिया बनो, तो हमारा भी जरिया भाई गाइस आप लोग बनते हो, ठीक है? तो हम भी अगर किसी का जरिया बने तो बहुत अच्छी बात हो जाए। ये देखो गाइस कैसा सोया है जुहान यहाँ पर मुंडी पलटा के, क्योंकि गाइस उसको भी व्लॉग में नहीं आना है। वो बोले डैडी मेरा फेस तब तक मत दिखाना जब तक मैं बड़ा हो जाऊँ, मेरा फेस एकदम फुल डेवलप हो जाए, पता चल जाए हम लोगों को ये फाइनली किसके ऊपर गया। क्योंकि गाइस ये 40 डेज के बीच में तो बेबी ना फैमिली में हर किसी की तरह दिखता है, क्योंकि नया फेस है ना गाइस, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ आज इसकी तरह दिख रहा है, कल उसकी तरह दिख रहा है। तो एक बार में इसका फेस पूरा एक किसी पर हम लोग को दिखे ना, कि हम लोग एक हफ्ता उसको देख लिए कि हाँ भाई अब ये इसकी तरह दिख रहा है, तब हम लोग रिवील कर देंगे। और गाइस यहाँ पे मेरा बन रहा है नाश्ता, नाश्ता करते हैं और चलते हैं डॉक्टर के पास, जाके चेकअप करवाते और आप लोग को बता देंगे क्या रिपोर्ट आई है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर के पास। तो गाइस डॉक्टर से हमारा, मेरा और जोहान का दोनों का, अरे बहुत आवाज आ रही है यहाँ पे, जोहान और मेरा दोनों का चेकअप हो चुका है और अभी हम लोग जोहान को छोड़ देंगे घर पर। और जोहान के दादा दादी भी आए हैं पोते के लिए आए हैं। बोलो आवाज नहीं आ रही है माशाल्लाह से, क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने बोले कि माशाल्लाह रिपोर्ट अच्छी है, मतलब प्रोग्रेस अच्छी है, जो होना चाहिए उतना नहीं बट प्रोग्रेस इतनी अच्छी है ना डॉक्टर। हम लोग ने बोला चलो ठीक है माशाल्लाह सबको बांट देते हैं हम लोग, तो अभी जाते हैं जवान को छोड़ते और निकलते लेने के लिए। ओके जोहान को हम लोग थमा रहे हैं उनकी नानी को। चलो आंटी ले लो फटाफट जोहान को प्लीज। सो रहा है अब तक के? अभी तो सो ही रहा है फिलहाल, हम लोग जाके आते हैं थोड़ा उसको संभाल लेते हैं। बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जोहान से रिलेटेड, तो निदा और मैंने सोचे कि क्यों ना कल की वीडियो हम लोग जोहान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग के उसके सवाल जवाब करें हम, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स करने का सोच रहे। तो गाइस जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी मन में डाउट है सवाल है जोहान से रिलेटेड, तो प्लीज गाइस कमेंट करके बताओ, हम लोग कल क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाएंगे और सारे कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं लेने के लिए, हम लोगों ने जो बनवाए हैं बांटने के लिए, ठीक है? तो मम्मी मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने घर पे भी देते हैं सबको, देंगे आप अपने घर पे भी लेके जाएंगे, इनको भी देंगे और सारे गरीबों को भी बांटेंगे, क्योंकि गाइस हम सब एक है, हमारे बच्चे का खाना हम तो खाएंगे। सही बात है, सही बात है। नीता तुम भी खाओगे ना? यस गाइस ऑब्वियसली हम लोग सब खाएंगे। तो चलो ऐसा नहीं हो कि मतलब हम लोग सिर्फ गरीबों को बांटने के लिए खाना दिए, वो खाना हम भी खाएंगे। सबसे बड़ी गरीब तो हम ही है भाई। सही बात है। तो गाइस आगे लोग लेके बढ़ रहे हैं दो थैली और यहाँ है एक थैली। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को जहाँ भी रास्ते पे दिख रहे हैं हम लोग दे रहे हैं।
सो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह जो हमारी नियत थी कि घर वालों को भी खाना देना है, बाहर भी खाना देना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो चुका है। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं बिकॉज जोहान उठने ही वाला है और सुफियान को जाना है वापस से कारखाने पे और वेबसाइट के लिए। तो लेट्स सी, फिर उसके बाद शायद तुम अपने घर जाओगे ना। मैं क्या सोच रहा हूँ कि गाइस आप लोग ना कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को वेबसाइट में क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को चेकआउट करने में तकलीफ हो रही है। हाँ। मतलब लोग वेबसाइट तक जा रहे बट ऑर्डर करने का समझ में नहीं आ रहा, ऑर्डर कर नहीं पा रहे। मेरे को ऐसा, मैंने एनालाइज किया हमारा डेटा जो आया है हमारे को, तो वो हिसाब से क्या क्या चेंजेस है आप लोग बताओ। और अगर आपको वेबसाइट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछना है तो जल्दी से कमेंट डाउन करना, वो मैं कल के ब्लॉग में आंसर कर दूंगी। तो गाइस फाइनली मैं निदा को छोड़ के जोहान के पास आ चुका हूँ मेरे घर पे। गाइस कुछ बात करनी है मुझे घर वालों से, मुझे कुछ शिकायतें है गाइस। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा एक चीज का, बहुत सारे लोग ने देखे कि मैं नौशीन की हकीकी में नहीं जा पाया। तो गाइस क्यों नहीं जा पाया मैं आप लोग को बताऊंगा अभी, वो चीज़ जब मम्मी डैडी आ जाएंगे। आ चुके हैं मम्मी डैडी और मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में। पहले खाना आ गया गाइस, तो पहले खाना खा लेते और फिर बात करते। तो गाइस खाना वगैरह हो चुका है हम लोगों का और अब बारी है वो चीज़ की जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ बात करने के लिए। तो बताओ मेरे को कल क्या हुआ, कल मेरे को दावत क्यों नहीं आई? गाइस नौशीन के घर से मेरी जो सगी बहन है उसने तक अपने भाई और भाभी को दावत नहीं दी गाइस, अपने बेबी के हकीकी के लिए नहीं दावत दी। बताओ मैं स्टार्ट से क्या हुआ। स्टार्ट रात में गाइस मैं बैठा था घर पे, कितने कुछ 1 या 2 बज रहे थे, तो मुझे ना गाइस हमारे फोटोग्राफर का फ़ोन आया, बोले अरे कल तो नौशीन के बच्चे का अकीका है। मैं बोला है किसने बोला? बोले नौशीन ने नौशीन ने मेरे को बोला ये फोटो शूट के लिए, तुमको इन्विटेशन नहीं आया क्या? ये बात हुई। तो फिर मैंने नौशीन को कॉल किया रात में 2 बजे, ठीक है, मेरा फोटोग्राफर, मेरा नेक्स्ट डे का शेड्यूल पूरा फिक्स हो गया गाइस, और पूरा दिन मुझे क्या क्या करना है क्योंकि हम लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है ब्रांड के चक्कर में, और बेबी भी है घर पे और निता को भी तकलीफ है और हमारे ब्रांड का भी जो मगजमारी चल रही है वो, ठीक है, तो उसके चक्कर में मैं अपना शेड्यूल पूरा बना के रखता हूँ, ठीक है। अगर निता नौशीन मेरे को 2-3 दिन पहले बोलती तो मैं ऑब्वियसली उसके अकीके में जाता, बट उसने क्या करी, उसने बताया ही नहीं मुझे, और मुझे किसी और के थ्रू मालूम पड़ा कि उसके घर में अकीका है, जबकि होने वाला है, प्रिपेरेशन हो गई है, 1 दिन पहले बकरा वकरा भी लेके आए लोग, सब कुछ मैं ब्लॉग में देख के मुझे पता चला कि भाई लोग का प्लानिंग 3-4 दिन से चल रही है, बट मुझे 1 रुपए की खबर नहीं थी। तब फिर मैं नौशीन को फोन करके बोला कि नौशीन कल तेरा हकीका है क्या? तो बोले हाँ। तो मतलब तुमने बोली क्यों नहीं? तो उसने मेरे को बोली कि मैंने मम्मी को बोली थी बोलने के लिए। अब बताओ, सुन, सुबह में 11 बजे फोन किया तारे से, सैटरडे के दिन, हाँ 11 बजे फोन किया, बोले जल्दी उठो हम लोग को जाने का है बकरा लेने, तो ये बोले बकरा अभी कहाँ मिलेगा, तो मैं चलो देवनार के अंदर, तो अब्बा को उठा के, अब्बा को जिम भी लेके जाने दिया, अब्बा को उठा के, अब्बा नाश्ता भी नहीं करे थे शायद, अब्बा को लेके गया, बोले चलो बकरा लेने, बकरा लेने के अब्बा से लोग घूमने जा रहे थे, देखेंगे मिलेगा इनके तो नहीं, तो नहीं लेंगे, बाई चांस वो बकरा पसंद आ गया तो ले लिए बकरा, अब बकरा लेके आया उसे, और नौशीन बोली 2 दिन बकरे को रखेंगे ऐसे साथ में खेलेगी, उसके बाद हकीका होता है, तो बोलते नहीं, बोले कल की कल बोले भरोसा नहीं बकरे का, कैसा बीमार बकरा है क्या है, हाँ। बकरों का सीजन नहीं है, हाँ। एक वो बकरे होते हैं जो कसाई लोग ना फटाफट लाते काट देते, तो अब्बा ने बोले कि इससे अच्छा काट दे तो अच्छा, हाँ। है तो रात को उसने कितने 1 बजे तक उसने ना डेकोरेशन वाले से बात करी कि डेकोरेशन वाला क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ वो खुद के टेंशन में थी क्योंकि उसके ऊपर आ गया था। अच्छा, तो खुद के टेंशन में इंसान फोटोग्राफर को फोन कर सकता है कि भाई कल मेरा हकीका है फोटो शूट के लिए आना, बट अपने भाई और भाभी को नहीं पूछ सकते, मतलब भाई भाभी का दिमाग में नहीं था, नहीं नहीं भाई भाभी का दिमाग में नहीं था। लगाओ उसको फोन, लगाओ उसको फोन, लगाओ फोन लगाओ, फोन लगाओ, और लोग यहाँ पर मेरे को बुरा भरा बोल रहे कि सुफियान अपनी बहन के हकीके में नहीं गया, मुझे दावत ही नहीं है तो गाइस मैं कैसे हकीके में जाता? पूरी वीडियो देखता कौन है आजकल, सब आधे अधूरी वीडियो देख के सब मान लेते, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ा, मेरे को उससे फर्क पड़ा मेरे को बोली नहीं उसने, लगाओ लेकिन जब बकरा लेने का तभी भी बोल सकती थी की भाई अकीका करने का सोच रहे बकरा लेने जा रहे हैं। तो गाइस नौशीन को लग चुका है फोन और बोलिए क्या फोटोग्राफर को कॉल करने का टाइम है, भाई को बोलने का टाइम नहीं है, भाई भाभी को बोलने का टाइम नहीं है, है मेरे पास टाइम, मेरा सब रात को फिक्स हुआ 12 बजे।
तो 12 बजे भी फिक्स हुआ, सबसे पहला कॉल किसको जाना चाहिए? फोटोग्राफर को, भाई बहन को, भाई भाभी को? अच्छा, मम्मी की गलती, मम्मी को बोलने को मत बोल। ये देखो मम्मी बोलते कि उसकी गलती है, देखो दोनों एक दूसरे के मुंह। और बकरा बकरा लेने का तभी भी नहीं बोली। हाँ, बकरा घर में गई थी, हाँ तो बकरा बकरा खरीदने के बाद तो कॉल कर सकती ना कि ये ना अकीका रखने का। खरीद के बाद भी हम लोग सोचे 2 दिन रखेंगे। तो 2 दिन का भी तूने बोली कि 2 दिन बाद रखने का सोच रहे? बस फिर काय को बोलू, देख लिए गाइस, देख लिए। क्या पता नहीं, देखो बच्चे का फोटो शूट क्या बताया नहीं, कौन सा फोटो? तो बच्चे का शूट में तेरे को क्या करने बताऊं मैं, जब किसी को दावत ही नहीं देना है तो? जब तू दूसरे लोगों को दावत दे, कभी कौन सा? अबे अबे मैं जब किसी को दावत दूं तो मैं तेरे को बोलूं ना क्या, नौशी ना सबको दावत दे रहा हूं मैं तो, सुबह सुबह 8 बजे फोटो शूट कर रहा हूं। और मम्मी को बताया था मैं, बताया था तुमको? क्या बोल रही है? हाँ तो अच्छा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बिजी आ नहीं पाया, मेरा शेड्यूल फिक्स था ना पहले से, सीधा एक ही बोलेगा आई एम सॉरी। ठीक है, देख लो गाइस, दावत देने की जरूरत नहीं। आ रहे जब मालूम पड़ेगा नहीं तो इंसान पहुंचेगा किधर? अरे लेकिन तेरे को पता तो रहता ना कब है? अरे मम्मी ने नहीं बताया, मम्मी की गलती। हाँ मेरे को जब पता ही नहीं है कब है तो मैं क्या ऐसे चलते, फिर तो रोज घर पे पहुंच जाओ किसी के भी, कुछ भी कर दो तो मम्मी को, मम्मी को डाल दो, मम्मी को डाल दो, मम्मी को मम्मी चमची, मम्मी जल्दी है, मम्मी दूध का, चुप रहो। हाँ मैं तो तुम लोग को बोला था, इससे का बोलूंगी या तेरा बोलूंगी, तुम दोनों आपस में बात कर लेना। हाँ हाँ हाँ, तू उसको दावत दे देना, इतने को दावत दे दे, खत्म, मैं बीच में कुछ नहीं। सो गाइस चलो जाने, तो हो चुकी है मिसअंडरस्टैंडिंग। अब अभी गाइस अगर हम लोगों का शूट नहीं होता था वो दिन तो हम लोग डेफिनेटली जाते थे, क्योंकि गाइस हम लोगों का जो चीजें है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो हम लोगों को उसी के हिसाब से काम करना पड़ता। अगर एक दिन भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है। ठीक है, इंसान अपने अपनी लाइफ में रहता है बिजी, बट अपनी फैमिली के इंसान कभी बिजी नहीं रहता है। बट ये मिसअंडरस्टैंड की वजह से हम लोग दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए और हम लोगों का वर्कआउट नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं गाइस, मेरे हकीके में रोशन लोग को मैं नहीं बुलाऊंगा तो फिटनेस हो जाएगा। ठीक है, तो फिटनेस हो जाएगा, मैं भी नहीं बुलाऊंगा तो बताऊंगा नहीं ना कभी ये। हाँ लेकिन तेरे को जब मालूम ही नहीं पड़ेगा तभी उसको आएगी कैसे, तेरे को ब्लॉग में देख के मालूम पड़ेगा। सो गाइस आ चुका हूँ मैं घर पे सोने के लिए और यहीं पर ब्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस ब्लॉग, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।